आज मैं शेयर करूंगी बिना चाशनी बिना मावा के बेसन की बर्फी की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। और ये देखिए बेसन की बर्फी कितना परफेक्ट बना है। तो आप भी अगर इसी तरह बेसन की बर्फी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम एक भारी तले का कढ़ाई ले लिए हैं, और कढ़ाई पर हम आधा कप घी डाल रहे हैं, ये देसी घी है। आप तेल या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक कप बेसन और आधा कप बेसन, यानी कि डेढ़ कप बेसन हम पूरा लिए हैं, तो आधा कप घी और डेढ़ कप बेसन लिए हैं। अब इसी के साथ हम एक चौथाई कप सूजी लेंगे, ये बारीक वाला सूजी है। आपके पास अगर मोटा सूजी हो तो आप उसे मिक्सर जार में डाल के पीस सकते हैं। तो देखिए अब तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसको पूरे अच्छे से भून लेना है, और साइड साइड में जो गुठली जम रहा है उसे भी तोड़ते जाना है। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इस रक्षाबंधन पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए बेसन को भूनते हुए 10 मिनट हो गया है। बेसन से थोड़ा थोड़ा खुशबू भी निकलना शुरू हो गया है, इसका इसी से पता चलता है कि बेसन पूरे अच्छे से भुनाया है। तो देखिए ये बंधने के फॉर्म में आ रहा है अब धीरे धीरे। बेसन को चलाते हुए रहना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है और उसका महक अच्छा नहीं आएगा, फिर बेसन की बर्फी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए इसे लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। बेसन को भूनते हुए 20 मिनट हो गया है। अब देखिए बेसन पूरे अच्छे से भुना गया है, ये बन रहा है पूरे अच्छे से, ये देखिए बेसन घी छोड़ दिया है पूरे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, यानी कि चीनी का पाउडर। तो चीनी को यहाँ पर हम पीस के ले लिए हैं, तो ये आधा कप है, आधा कप चीनी का पाउडर ले लिए। अब इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इसे अभी सूखा सूखा लग रहा है इसे देखने, लेकिन कुछ ही देर में ये 2 मिनट भूनते भूनते ही ये अच्छे से डो के शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 6 से 7 इलायची का पाउडर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे पूरे अच्छे से। अब ये बन रहा है, इसे अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम प्लेट में निकाली, मतलब ट्रे में, तो इसी ट्रे में हम सेट करेंगे। तो इसमें हम सारा निकाल लेते हैं और इसे सेट कर देंगे पूरे अच्छे से। और ये देखिए पूरे अच्छे से ट्रे में हम सेट कर दें। अब इसको आप इसी तरह रख सकते हैं या थोड़ा सा गार्निश कर दें। तो हम यहाँ पर गार्निश कर रहे हैं बादाम के टुकड़े और पिस्ता के टुकड़े से, इसे लगा देते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी क्रंची अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हम इसे लगा दें। अब इसे थोड़ा सा स्पेटुला से दबा देंगे ताकि बादाम का टुकड़ा गिरे नहीं, उसमें चिपक जाए। और ये देखिए बादाम को पूरे अच्छे से सेट कर दिए हम, सेट हो गया। अभी से ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलिए रख देते हैं इसे।
तो देखिए ये ठंडा हो गया है और आधा घंटा के लिए हम फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। अब इसे कटिंग कर लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पीस में काट सकते हैं। देखिए ये पूरा अच्छे से अभी सेट नहीं हुआ है। काटने के बाद वापस से हम फ्रिज में रखेंगे ताकि पूरे अच्छे से सेट हो जाए। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और शेयर भी करें अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ। और ये देखिए हम फ्रिज से वापस से निकाल लिए, एक घंटा के लिए काट के फ्रिज में रख दिए। और ये देखिए इसका कितना अच्छा पीस निकल रहा है, देखिए कितना क्लीन निकला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।